बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दुबई में बैठकर सोशल नेटवर्किंग के जरिए हजारों लोगों को ठगा जा रहा था। पुलिस साइबर पोर्टल में 60 से ज्यादा शिकायतों की जानकारी मिलने के बाद बस्तर पुलिस ने एक टीम भेजकर 4 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद बस्तर पुलिस ने मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए LOS जारी किया है। बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि पता चला है कि इस गिरोह ने देश भर से करीब 6 करोड़ की ठगी की है और इस बारे में जानकारी मिली कि इन्वेस्टमेंट नाम से एक पोर्टल भी बनाया गया है, जहां अपना पैसा जमा करने के बाद जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं। ठगी के संबंध में अभी हमारे द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही साथ प्रयास ये है कि साइबर ठगी के जो शिकार हैं उनको त्वरित न्याय मिले। इसी कड़ी में बोधघाट थाने में 26 लाख रुपए की एक साइबर ठगी का केस आया था, जिसमें शेयर में पैसे लगाने के नाम पे विक्टिम से पैसे टेलीग्राम ऐप के माध्यम से अलग अलग खातों में डलवाए गए थे और जब उन्होंने पैसे निकालने चाहे तो पैसे निकालने से उनको रोका गया, तो विक्टिम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तत्काल में एक विशेष टीम बना करके साइबर DSP साइबर गीतिका के नेतृत्व में गौरव तिवारी ने अच्छा काम किया अपनी टीम के साथ में और पूरे जो गिरोह था उसका लिंक हमको गुजरात के सूरत में मिला, जहां पे बैंक अकाउंट में अलग अलग खातों में पैसे गए थे। हमने एक अकाउंट में जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होता 16 लाख रुपए, वहां के जो अकाउंट के ओनर है उनके बारे में डिटेल निकाल करके टीम वहां भेजी थी। जो मोडस ऑपरेंडी है उससे ये पता चला कि एक अकाउंट में पैसे डलवाए जाते हैं, फिर वहां से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, कभी कभार तीसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर किए जाते हैं और फिर फाइनली कैश निकाल करके एक कलेक्शन सेंटर में, जो कि अभी इस केस का कलेक्शन सेंटर सूरत में ही हमको उसका लोकेशन मिला है।